जैसा कि आप सब जानते हैं, बारामूला पुलिस स्टेशन में पिछले हफ्ते में एक FIR रजिस्टर हुआ था, FIR नंबर 173 ऑफ 2024, इल्लीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ ये FIR रजिस्टर हुआ था, जिसमें हमने बारामूला के ही दो लोगों को गिरफ्तार किया था और उनके कस्टडी से जो है चार नाबालिग लड़कियों को हमने बरामद किया था। इस तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए बारामूला पुलिस ने जो है दो और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम है गुलाम मोहम्मद खान जो कि नारवल का रहने वाला है और मंजूर अहमद शाह जो जाबाजपुरा का रहने वाला है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद इनके डिस्क्लोजर पे तीन और नाबालिग लड़कियों को जो है हमने रेस्क्यू किया है। इस केस में अब तक कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सात नाबालिग लड़कियों को जो है रेस्क्यू करके उनको विमेन शेल्टर में जो है सेफ कस्टडी के लिए रखा गया है। तफ्तीश अभी जारी है, और भी खुलासे होने की हमें उम्मीद है। जैसे ही नए फैक्ट सामने आएंगे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सर, अभी तक जो लड़कियों का बयान हमने दर्ज किया है उसके हिसाब से ये लड़कियां जो है ये बर्मा की रहने वाली है और पिछले कुछ महीनों के भीतर ही वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में एंटर हुए हैं। हमारी पूछताछ और तफ्तीश जारी है कि किस तरीके से इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है और किन लोगों ने इनकी मदद की है। हमारा मकसद है कि इस मॉड्यूल की जड़ तक हम पहुँचे और तमाम उन लोगों को गिरफ्तार करके कानून के सामने पेश किया जाए जो इस काम में मुलव्वस है, और भी जो भी नाबालिग लड़कियाँ इस तरीके से ट्रैफिकिंग हो रही है उनको रेस्क्यू करके उनकी भी सेफ कस्टडी इंश्योर करने का हमारा पूरा मकसद है।